नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। झारखंड के लातेहार में पुलिस ने पशु तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही जानवरों से भरे एक ट्रक को जब्त किया गया है। पशुओं की तस्करी करने के आरोप में लोहरदगा निवासी टिंकू खान व आरिफ पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांच में पता चला है कि इन सभी पालतू जानवरों को छत्तीसगढ़ के जशपुर से बिहार के डेहरी ऑनसोन भेजा था। सोमवार की सुबह लगभग 3:30 बजे बरवाडीह थाना प्रभारी श्रीनिवास कुमार सिंह ने अपने सदल बल के साथ कुटुम्बू में छापा मारा। यहां से जानवरों से लदे एक ट्रक को जब्त किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रक में अवैध तरीके से जानवर की तस्करी की जा रही है। इसके आधार पर छापेमारी की गई। इसमें उत्तर प्रदेश के नंबर प्लेट वाले एक ट्रक को जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान वाहन चालक से कागजात की मांग की गई, उसके पास कोई भी कागजात नहीं थे। इसके बाद ट्रक चालक व खलासी को थाने लाया गया। जांच कर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। चालक सुनील कुमार व खलासी नईम अंसारी को जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रक में कुल 30 भैंसे लोड थी। पूछताछ में पता चला कि पशु तस्करी के इस रैकेट के तार लोहरदगा निवासी टिंकू खान व आरिफ से जुड़े हुए हैं, लिहाजा इन दोनों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। जांच में यह बात भी सामने आई कि झारखंड के रास्ते छत्तीसगढ़ से जानवरों को बिहार भेजने का धंधा काफी समय से चल रहा है। छापेमारी के दौरान पकड़े गए सभी जानवरों को रखरखाव के लिए 8 लोगों के जिम्मे दिया गया है। सभी लोग इन भैंसों की ठीक से देखभाल कर रहे हैं। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह सभी जानवर छत्तीसगढ़ से किस प्रकार एकत्र कर लाए जा रहे थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।